हेलो भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित वंचित पिछड़ा दलित महापंचायत कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए नेतागण, गायक साथी, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, देखा भाई बड़ी देरी से भाषण चला था, भाषण सुना सुना सब लोग बियागल हुआ कि नहीं? अबे नव बियाल है, अच्छा के नव बियाल हाथ उठावा, अबे नव बियाल है। अब देखा आपके बीच में हमारे समाजवादी पार्टी के भाई कैलाश चांद केसरवानी जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। हम लोगों के बीच में भाई आनंद मोहन पटेल जी, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी दोनों साथी हैं, भाई अजीत मौर्य जी जो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, भाई उदय श्याम यादव प्रदेश सचिव यूजन सभा के हैं, लव कुश मौर्य जी जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी, और रण विजय पटेल जिला उपाध्यक्ष सपा, ये हमारे समाजवादी पार्टी के साथीगण हैं। ये लोग बोलना चाहते थे लेकिन अभी जो हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जो छोटी टीम है, इस टीम को हम रिहर्सल कराते हैं, इस टीम को हम रिहर्सल कराते हैं। जो हमारे छोटे नेता हम पैदा बना रहे हैं, बड़ा नेता हम, उनका रिहर्सल करा रहे हैं। इस नाते हम अपने बड़े भाइयों से चाहूंगा कि थोड़ा तकलीफ तो जरूर हुई होगी और ये काम हम लोग आपका कर रहे हैं, अपना नहीं करते हैं, ये आपका काम है और आपकी जिम्मेदारी है कि इनको ताकत देना। जैसा कि हमारे एक साथी ने बताया कि देवराज प्रजापति की हत्या होती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उसको न्याय नहीं मिलता है, इसी बात की तो लड़ाई है, लड़ाई जो हम लोगों की इसी बात की है। दुर्भाग्य कि हमको देर में मिला, ये सूचना काश हमको उसी समय दिए होते तो ओम प्रकाश राजभर ऐसा है ना कि पत्थर पर भी डूब जमाने की हैसियत रखता है। सही समय पर सूचना नहीं दिया करो हमको, और उसके बाद तो हम देखो क्या क्या करते हैं। अब आगे देखो हमारे भाई कुंदन सिंह और कबंसी जी खड़ा हो जाइए, कहाँ हैं? जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। भाई पंचम लाल सिंह और कबंसी जोरदार ताली बजाइए, देखा ताली बजाओ में तो लोग का ठंडी लगा था ना? भाई रमेश सिंह और कबंसी जी जोरदार ताली बजा करके साथी का स्वागत करिए। भाई अजय सिंह और कबंसी जोरदार ताली बजा करके भाई स्वागत करिए अजय जी का। भाई संजय सिंह और कबंसी, संजय जी जोरदार ताली बजाइए, संजय जी पीछे हैं खड़े। शिव प्रकाश सिंह और कबंसी, शिव प्रकाश सिंह और कबंसी जी। भाई दीपक सिंह और कबंसी जोरदार ताली बजा करके दीपक जी का स्वागत करिए। भाई शिव शंकर सिंह और कबंसी, शिव शंकर सिंह जी भोलेनाथ। राम नरेश सिंह और कबंसी, भाई राम विशाल सिंह एडवोकेट और कबंसी, भाई ज्ञानू सिंह और कबंसी, और हमारे सुधीर और कबंसी जो मंडल अध्यक्ष हैं इलाहाबाद या प्रयागराज के, दोनों के हैं। भाई योगेंद्र और कबंसी जी जो प्रदेश के महासचिव हैं, तो यहाँ 10 दिन से काम कर रहे हैं आपके बीच में, और हमारे महिला मंच की जिला अध्यक्ष हैं भाई श्रीमती सुष्मिता सिंह और कबंसी, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे भाई पंचम लाल सिंह जो मंडल महासचिव हैं प्रयागराज के, भाई मोहम्मद ताजुद्दीन जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। भाई विनोद कुमार पासी
जो अनुसूचित जाति अनुसूचित मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई शिवेंद्र सिंह अर्कवंशी जो जिला अध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ के जनपद कौशाम्बी के, और हमारे तमाम साथी हैं, और हमारे भाई जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पार्टी के सुखेन पाल जी, एक सुखेन वैद्य थे एक सुखेन पाल हैं, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। भाई बुधराम प्रजापति जी जो भागीदारी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, जोरदार ताली बजा कर उनका स्वागत करिए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सुनीत प्रजापति जी, जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत करिए। भाई मंडल कोऑर्डिनेटर प्रयागराज भाई भूपेंद्र प्रजापति जी, अब देखा हम नाव का है पढ़त रली है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नेता अर्कवंशी को नहीं जानते, और घबराओ नहीं, दो दिन और, आज 25 से कल 26, 2 लाख अर्कवंशी हम संदीला में इकट्ठा करने जा रहे हैं, 2 लाख अर्कवंशी। कल देखना टेलीविजन में परसों पूरे देश में प्रचार होगा, और इतना ही नहीं उस कार्यक्रम में माननीय अखिलेश यादव जी को ले जाऊंगा कि देखो ये सिद्धार्थनगर से लगायत मेरठ तक, और इलाहाबाद कौशाम्बी से लगायत बुंदेलखंड झांसी बांदा चित्रकूट हमीरपुर तक, लेकिन इसकी गिनती कोई नहीं करता है, ये ओम प्रकाश साहब भर अर्कवंशी की गिनती करा के मानूंगा, देखना कैसे नहीं होती है। और 75 साल की आजादी में अभी तक अर्कवंशी को कोई एमएलए नहीं बनने दिया, ये बना कभी, घबराओ नहीं मेरे भाइयों, ये 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश साहब भर अर्कवंशी समाज को एमएलए बना करके दिखाऊंगा लखनऊ की विधानसभा में, ये काम करूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि कहां, अभी मैं बैठा था एक जगह रोटी खा रहा था, हमने पूछा एक नेता से कि अर्कवंशी यहां है, कहना यहां नहीं है, मजबूत पार्टी के नेता थे, हमने कहा कहां महाराज भूल रहे हो, इस खाली कौशाम्बी में अभी थोड़ी सी जानकारी हमको हुई है 50,000 वोटर है खाली अर्कवंशी, 50,000, लेकिन गिनती नहीं। हमने पूछा ऐसा उसी साथी से प्रजापति, तो कहा 5-6 हजार होंगे, हमने कहा पाल, कहा 3-4 हजार होंगे, हमने कहा दुर्भाग्य है 1 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता अकेले प्रजापति समाज के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे आप बलिया से बांदा जाओ, चाहे आजमगढ़ से आगरा जाओ, चाहे गाजीपुर से गाजियाबाद जाओ, चारों तरफ प्रजापति। और पाल हम तो यही कौशाम्बी में हैं, शायद पाल खाली कौशाम्बी का इकट्ठा हो जाए, बगैचा तो छोड़ दो, ये कौशाम्बी में कोई मैदान नहीं मिलेगा पाल समाज के कजे कजा खड़ा हो जाए तो, लेकिन गिनती नहीं तेरी, आप भैया से चलो बांदा तक खचाखच भरे, आप गाजीपुर से गाजियाबाद जाओ, आजमगढ़ से आगरा जाओ, 403 विधानसभाओं में करोड़ वोट से ज्यादा पाल समाज के लोग तेरा वोट है, लेकिन तेरी गिनती नहीं है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर, जिसकी गिनती नहीं उसकी गिनती कराने के लिए, जिसका बेटा सदन में नहीं उसके भाई को, उस जाति को सदन में भेजने के लिए समाजवादी पार्टी से समझौता किया हूं, जो सही किया हूं गलत किया हूं, इतने लोगों को सही लग रहा है, सही है ना? आप देखा आ जा 22 में सरकार बनी, हम जहां से आई ना जौने वाली कही भारतीय जनता पार्टी गई, बलिया ना जीती, मऊ ना जीती, आजमगढ़ ना जीती, बनारस गाजीपुर ना जीती, अम्बेडकर नगर ना जीती, जे दसई रात का पैदा हुई वो हो के ना जीता दी, हम उसे ना बोलेगा, चले गोरखपुर महाराजगंज कुशीनगर देवरिया शायद दूसरी सीट में लड़ाई हुई कस के, चले बस्ती संत कबीरनगर सिद्धार्थनगर, चले गोंडा भराई बलरामपुर श्रावस्ती, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को जमीन में दफना के दिखाऊंगा, देखिएगा, इतना घमंड हो कि कोई कहां बोली, हम आपसे पूछा तो ही बतावा, यहां जितना लोग आए हुआ, कितना लोग बिजली के बिल से परेशान हुआ तो हाथ उठाला,
नहीं दोनों हाथ उठाओ, हमारे घर में पेट लग रहा, हाथ उठाओ, सब लोग परेशान है, हमें हाथ नीचे करा। ये बिजली को महंगाई के लिया इन बार, ये बिजली को महंगाई के लिया इन बार मोदी योगी ई जानो तुआ का कहले हुन 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीदत तुमन हने और 7 रुपया देहात में 8 रुपया शहर में पर यूनिट बेचत तुमन हमने के हमने वोट दे के सरकार बनावत है और हमने के ऊपर बिजनेस करत तुमन। यही वजह ओम प्रकाश राजभर 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा और घरेलू बिजली का बिल 5 साल तेरा माफ करा करके मानूंगा। आप बताओ कितना जने बिजली का बिल माफ करावे चाहते हैं? आप बताओ कई लड़ाइया के लड़ी, लड़ाई के लड़ी, यहाँ से गईले के बाद अपने अपने रिश्तेदार के अपने अपने पड़ोसी के बतावा कि अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बन गई बा तेरवा पारी 5 साल तो हम बिजली का बिल न देवे के हुई। ये बात का चर्चा गांव गांव करा। दूसर बात, हम भाषण नहीं हमारे बात सुना काली, यह जितना देने आयल हुआ के महंगाई से परेशान हो, पूरा देश परेशान है, इतना से आवाज है पूरा देश का परेशान, तो बोला महंगाई से निजात चाहत हुआ कि नहीं? महंगाई से निजात चाहत हुआ ना। आप देखा एक उदाहरण बतावे थे, नकल मरा अकल आई, नकल मरा अकल आ जाई। अभी भारतीय जनता पार्टी के जवन भाई भाई इलेक्शन उपचुनाव भई है, ये उपचुनाव में प्रदेश और देश की जनता ने भाजपा को हरा दिया, तो 12 रुपया डीजल और पेट्रोल कम हो गया। इन्होंने हरलन है तो 12 रुपया कम करने में उपचुनाव में, तो उत्तर प्रदेश से इन्होंने के हरवादा तो आधा डीजल पेट्रोल का दाम हो जाएगी खाली इन्होंने के हरवादा। ये लोग सोचते तो ना कोई बोली ना, ये लोग हमारे के पढ़ावत हुए पाठ 16 दुनिया 8 बारे भाजपा। अब यही बदे बाबू रामपाल, यही बदे प्रेमचंद प्रजापति, अब हमारे मिल के पढ़ावल जाए पाठ 16 दुनी 32 बोला हुई कि ना हुई? ये देश में हमारे है तो हमानों के हिस्सा मिले के चाहिए। नारा दे मोदी जी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया, आए हवाई चप्पल पहनने वाले गरीबों तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिला। अब कहा उड़ाई और देखा जहाजी का सपना देखा के ट्रेन से जनरल कोचा हटा देलस, जो जनरल डब्बा लगा था जमे में कम पैसा में हमने जा पा रही वो डब्बा हटाई देलस। इसलिए तो ना कोई ना जाना था। अरे मोदी जी भाषण मन ले रहा तो ही भाई वोट ले गए बदे 15-15 लाख दे बोले वाला ना, यहाँ जितना लेने आया होगा बोला कोई के 15 लाख मिलल, 15 रुपया नहीं कोई के मिलल नहीं मिलल। आई कहले रहन कि वोट देकर सरकार बना था 2 करोड़ नौकरी हर साल दे, नौजवानों 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, 9 लाख कंपनी बंद कर दिया और 12 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया। ये तो इनकी आदत है, इन्होंने नारा दिया महंगाई कम करेंगे। आप बताओ महंगाई कम करेंगे, इनारा ढलन है गरीबों, आपका बुरा दिन चल रहा है, हमारे साथ आओ। मोदी जी ने कहा कि हमारे साथ आओ तेरा अच्छा दिन होगा। अब हम हनो पर ले ली, अच्छा दिन लेकर चल गए मोदी की हन, और जब बुरा दिन रहल तो गैस सिलेंडर 400 रुपया में रहल, अब अच्छा दिन आ गया तो गैस सिलेंडर तो सस्ता हो गया, 1000 महंगा हो गई। अब सोच ले 400 जो बुरा दिन में रहल, अच्छे दिन में 1000 पार, जब सरसों का तेल बुरा दिन में 50 रुपया लीटर रहल, आज वो 200 पार, जब सरस अरहर का दाल 55 रुपया किलो रहल, 125 पार,
पेट्रोल जो 60 रुपए 100 पर जो डीजल 95 रुपए लीटर रहा तीनिये रन बाकी है शतक लगाओ में उहो। अब देखा अब इन्होंने महंगाई कम कर तो लन अच्छा दिन तो हम तो कहला भाई हमारा बुरा दिन दे देता तो ठीक रहा। आप लोग बताओ बुरा दिन चाहते हो कि अच्छा दिन चाहते हो? जोन बुरा दिन में हाल रहा मैंने कहा जोन 400 रुपया सिलेंडर रहा 50 रुपया सरसों का तेल रहा 60 रुपया पेट्रोल रहा 55 रुपया डीजल रहा वो बढ़िया बा कि यहाँ 200 रुपया लीटर सरसों का तेल बा वो बढ़िया बा? तो बढ़िया था मैंने कहा बुरा दिन बा। ये मोदी के चेला लोग अगर न लौकत हो तो अस्पताल खोले बन प्रजापति यो जाके अपने अपने मोतिया बिन के ऑपरेशन करा लेते रहने सोने के लोग लगी। इन्होंने से महंगाई का बात करा तो कहिए तू पाकिस्तानी हुआ। इनसे कहा कि रोजगार का बात करा तो कह राष्ट्र विरोधी हो। घबरा मत आवा ओम प्रकाश राजभर घूमत है अब अभी तो पूर्वांचल में रही है अब आकर इधर मध्यांचल में 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सीने पे चढ़ करके 27 तारीख को बता दूंगा कि तेरी विदाई हो गई। आज देखिएगा टीवी में किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं है खाली तो वहां लखीमपुर खीरी सीतापुर लखनऊ हरदोई और उन्नाव के बानर मऊ इतने दूरी से खाली यार कबंसी जुटावत थे। ये बदल जुटावत थी कि कुल कहते में अर्कवंशी कहा होला अंकली चल दिखाई का होला। एक दिन हम बैठे अकेले जी से कली के अपने सभा हो जाए कनक कराया अंके नहीं सुन ला अर्कवंशी का होई कहने ही कौन बिरादर है अंके हमार बिरादर है हमार बिरादर है भार बिहार बारी यार अर्कवंशी बंजारा ये हमार बिरादर हुआ। तो कहना कहा रखवा हमके जहां हमन तो कहना बताओ हम कल यही बगलिए रख दी लखनऊ के कहा तो कहा सिद्धार्थ नगर रख दी नहीं कहा इलाहाबाद रख दी कहा तोरे जहां मर्जी वही रखा हम कल ही चला पहले पड़ोसा में हो जाए। तो हम जो तो वही लखनऊ एक संडीला जहां महाराजा सल्ली सिंह का मूर्ति लगल पता ना बा महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी जिन्होंने संडीला बसाया लेकिन वहां के लोग भी अर्कवंशी को नहीं जानते इस नाते हमने संडीला में महाराजा सल्ली सिंह के अर्कवंशी के 15वें मूर्ति स्थापना के दिवस पर वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पंचायत बुला करके हमने कहा कि अर्कवंशी खाली जुटेगा। अब आपको बता दूं 12,000 के ऊपर गाड़ी ट्रैक्टर टाली बस पिकअप मैजिक ये प्रजापति लोग अर्कवंशी लोग कहले हुए हम कहीं देखा भाई रुपया हम न दे दो लोग रुपया जुटावा गाड़ी घोड़ा करा आवा कहने नेताजी तू खाली आवा। 27 तारीख के हम हेलीकॉप्टर से जा हम वही में बैठाई सुनील अर्कवंशी के वही हेलीकॉप्टर में बैठाई सुनील अर्कवंशी के हम हूं बैठा अखिलेश जी बैठियन जब हड़हड़ा के उतरी हुआ संडीला में जब वहां से निकली हन पहले अखिलेश जी ओकरे बाद सुनील अर्कवंशी ओकरे बाद ओम प्रकाश राजभर तब हल्ला हो लगी कि अर्कवंशी एक जहरिया में से निकला था तब बोला हल्ला हो कि न हो। हमारा मकसद है साथियों जिसको कोई नहीं जानता उसको हम छत पे पहुंचा करके मानूंगा 2022 में देखता थे बाबा काम पर तो भैया बोला अर्कवंशी भाइयों लड़ाई सही है भी गलत है यहाँ जय जय न्यायालय के समझावा कि देखा 75 साल के बाद 75 साल की आजादी में अर्कवंशी को जगाने अगर कोई निकला है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकलन पैदा नहीं हुआ। आप सोच लो योगेंद्र अर्कवंशी को मैं इसी से भेजा था कि जाओ लोग कहते हैं कि कौशाम्बी में अर्कवंशी नहीं है हमने कहा जाओ तुम गाड़ी ले लो ड्राइवर ले लो जाओ जाके वही खाओ अपनी बिरादरी में सो उनसे कहो कि चलो मीटिंग में कम से कम आएंगे तो उनको लगेगा ना कि नेता क्या करता है। ये बिचारे जितना इनके पवन उठे थोड़ी जोर लगाओ सुपर ताली बजा के स्वागत करिए सामने घेर लिया इधर घेर लो कुछ अब आगे देखा का चाहते ही तीसर का काम हम का चाहते ही महंगाई तो बता रहा हूं सरकार बना लो साथी
महंगाई ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन महंगाई पर काबू करने के लिए हम लोग व्यवस्था बना करके जो एक टैक्स लगा करके पैसा आपका वसूल रहे हैं टैक्स कम करेंगे रेट कम होगा अपने आप महंगाई कंट्रोल होगी। साथियों ये हम आपको करके दिखाएंगे। तीसरा काम एक समान जवान पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में बा उड़ा पढ़ाई सरकारी स्कूल में जवान पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में एक समान शिक्षा अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून 2022 में अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर मिलकर बनाना चाहते हैं। बाबूराम पाल प्रेमचंद प्रजापति अनिल चौहान रामसागर बिन हम सब लोग मिलकर बनाना चाहते हैं। एक समान शिक्षा अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा तो बोला ठीक रहे कि नहीं ठीक रहे ये कानून बने के चाहिए कि न बने के चाहिए। इतना के बाद भी फ्री शिक्षा का कानून बनाने के बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बोलो सही रहे कि ना सही रहे ये कानून कितना जाने चाहते हो कि पास हो जाए चाहते हैं ना बाद में हमारे दोस्त मत दे जब जेल जाए कोई तरह ये बता देते ही। और दूसरा काम देखा हम जहां से विधायक है वर्तमान में अभी भी हम गाजीपुर जहूराबाद से विधायक थे और अपनी विधानसभा में और जहां से भी लोग मिले 6,28,00,000 रुपया गरीबों के इलाज और ऑपरेशन के लिए ओम प्रकाश राजभर ने अपनी कलम से दे दिया है 6,28,00,000 रुपया गरीबों के इलाज के लिए। ये व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया आप बताओ आपको वोट दिले हुआ ने एमएलए बनौले होगा कोई के एक को रुपया देहलास नहीं देहलास। अब देखा 22 में कानून बनेगा कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो अगर वो बीमार होता है इलाज कराना है ऑपरेशन कराना है जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीब का इलाज फ्री में किया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनाने की तैयारी बोला ये कानून बने के चाहिए कि न बने के चाहिए बने के चाहिए न। बहुत सारे लोग हमसे कहे कि तू मंत्री रहला का कर छोड़ देला आप बताओ जब तू लोग की लड़ाई हम लोग तो कुछ सुनता नहीं रहा एक तो टाफी हम आने के देहलन नहीं अब देखा यही तो रे इलाहाबाद का के डिप्टी सीएम हम बेचारे आयन ने अब भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठी है सोफा पर आई बेचारे बैठी है स्टूले पर गलत ना कर सही एक बेचारे पटेल जी मैन प्रदेश अध्यक्ष मन भारतीय जनता पार्टी का कुल नेता बैठे है सोफा पर ऐना बैठा दे यहाँ फाइबर पर के तू सूत्र हुए पटेल हुए भाई ओम प्रकाश राजभर में होता तो वह कुर्सी उठा के मारे चार देने की बात कर रहा था। इतना भी अपमान पिछड़े समाज का ओम प्रकाश राजभर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी नाते हमने बीड़ा उठाया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके जब से बेदखल नहीं कर दूंगा तब से चैन से ओम प्रकाश राजभर बैठने वाला नहीं। इस नाते हम आपके बीच में हैं आप बताओ ये लड़ाई सही हो कि गलत हो कितना जने का सही है लड़ाई सही है ना तो लड़ाई लड़ाई जाए लड़ाई लड़ने की चाहिए ना चाहिए तो आज के बाद ईसो चला दुई नारा हम बतावत है बंगाल में खेला हो गई एक नारा लगा था बंगाल में खेला हो गई हम 27 अक्टूबर के नारा लगोए हैं खदेड़ा हो गई ये खदेड़ा हो गई जे हमने का बिजली का बिल माफ ना कर सका था जे गरीबन का शिक्षा फ्री ना दे सका था जे हमने का रोजगार नौकरी ना दे सका था बोला कर खदेड़ा हुई कि ना हुई हुई। और सुना दूसर का नारा एक दिन रथ यात्रा निकल रहा हम हूं और अखिलेश जी दोनों जने ढली रथ पर चढ़े कहना कुछ छोड़ रहा
हम कहीं देखा भाई कुछ नहीं, जैसे आप लोग आया तो हम पूछी लोगों से पूछे कि भाई बताओ लड़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सब कहना लड़ाई होगी चाहिए तो आप लोग कथो लड़ाई होगी चाहिए तो यो सोचला यहां से गईले के बाद एक नारा उड़ो हो के चाहिए कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। ठीक है, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। एकदम मन बनाला हमने के सोचा तो ना कि ना जाना तुम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करे पते बाबा जी के ना पता बा उन्हा करा लेकिन मुसलमान लोकल और चाहिए हमने के हिंदू मुसलमान में बाका बोलन अब का करो तुम भाजपा। भाजपा के डेढ़ दर्जन बड़े नेता मुसलमान के बेटा को दामाद बना लिए। प्रवीण तो भैया अपनी बहन की शादी मुसलमान से कल आपके आडवाणी है चाहे मुरली मनोहर जोशी हो अच्छा है जो संघ का नेता हमन मोहन भागवत इन्हों को भतीजी मुसलमान के बेटा से शादी। अभी कर्नाटक में मुसलमान के बेटा से शादी रोटी बेटी का संबंध करत हुआ भाजपाई हमने के काका तुम मुसलमान से दूरी बनावा देश हिंदू खतरे में है। अरे बारे भाजपाई हिंदू खतरे में है प्रधानमंत्री हिंदू गृह मंत्री हिंदू रक्षा मंत्री हिंदू मुख्यमंत्री हिंदू तब कैसे खतरे में बा। अगर मुसलमान कहा कि इस्लाम खतरे में तब तक मानल जा सकता है लेकिन तू बात हुआ हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं साथी भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है 2022 में जाने वाली है। इस नाते चिल्ला तुम तेरकर दवाई कम शुरू कर दिले एक मीटिंग कर ले रही है भाई खाली पूर्वांचल में और उसे नींद न आवा था। अब परसों 27 तारीख को अर्कवंशी समाज को लुटा रहा हूं और वहां आने के बाद जब वहां हम लोग पहुंच जाए ओकरे बाद भारतीय जनता पार्टी आईसी भी चल जाए। देख लिया 27 के बाद भारतीय जनता पार्टी को आईसी में भेज के छोड़ूंगा। 27 के बाद 13 तारीख को जाऊंगा शामली जो हरियाणा के बॉर्डर पर जिला है सहारनपुर मंडल है 13 तारीख को वहां पहुंचूंगा। अब ओकरे बाद इनका 66 की पता न लगी डॉक्टर जवाब दे दी कि भैया उठाला लेके जा बचिया उचिया ना हम तो काम फान दे ले लोग हमने का वो एक हिस्सा बा कि हमने हिस्सा मांगा थे हमने के मुंह में आवत हूं आवा 52% वोट पिछड़न कहो 22.5% वोट अनुसूचित जाति जनजाति कहा हमने के बात आवत हुआ 69,000 शिक्षा भर्ती में कई इलाहाबाद है साथी। मैं दावे के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मैं दो तो डिबेट कर ले प्रकाश सागर से 27% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया हमारा 69,000 शिक्षा भर्ती में 22.5% रिजर्वेशन लूट लिया 68,500 भर्ती में लूट लिया। जब इनसे हिस्सा मांगो तो कहते हिस्से की बात न करो भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू करो तू लोग जाके मरा हमारे न जाब हमारे पाकिस्तान लड़ा न जाओ हमारे शिक्षा बदल लड़ब स्वास्थ्य बदल लड़ब रोजगार बदल लड़ब नौकरी बदल लड़ब अमन चैन बदल रहा भाईचारा बदल लूंगा। लेकिन तेरे कहने पर ओम प्रकाश राजभर समाज को तेरे साथ नहीं रहने दूंगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बड़ी मेहनत करके उन्होंने संविधान दिया है साथी हमको आपको संविधान की देन है कि आज ओम प्रकाश राजभर बाबू रामपाल प्रेमचंद प्रजापति हम लोग यहाँ खड़ा होकर के आज भाषण दे रहे हैं। उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है और पिछड़े समाज के लोगों अनुसूचित जनजाति के लोगों तेरा आरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है प्राइवेट करके इसी से नहीं तो कहां आर्मी आकर के आरक्षण खत्म कर रही है। जब सारा विभाग प्राइवेट में हो जाएगा तो अपने आप तेरा आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस नाते ओम प्रकाश साहब ने मन बनाया कि आरक्षण को बचाओ अपने संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई 2022 में पहले उत्तर प्रदेश से करो और 24 में ओम प्रकाश राजभर पूरे देश में बाजा बजा करके इनकी विदाई करा दूंगा। बोला लड़ाई सही होगी गलत हो लड़ाई सही हो ना तो हमने संग एक नारा लगावा हम बोलेंगे अब की बार
तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार, हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार, अब की बार जो ना लगा था, जे जहां बैठा वही खड़ा हो जा, जे जहां बैठा वही खड़ा हो जा, हमरे के नहीं हाथ ऊपर करा, विकास जे हाथ ना उठाई एक और शांति का दरिद्र वही के घर जाई, ताव से बढ़िया हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार, अब की बार दूसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री शिक्षा वाली सरकार, हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री शिक्षा वाली सरकार, हाथ उठा के बोलिएगा अब की बार, अब की बार, अब की बार। तीसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री इलाज वाली सरकार, चाहे कि ना चाहे, तो ताव से बोला अब की बार, अब की बार, अब की बार। इसी बात के साथ हम आप लोगों को धन्यवाद देते हुए कि आपने अपना कीमती समय दिया यहाँ तक आए, अपनी बारी को विराम देने से पहले हम आप लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए अपने साथियों को कि आप लोगों ने मेहनत करके इस काम के बेला में यहाँ तक लोगों को ले आए, धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय हनुमान।